देखिए अब आज का सवाल है, सबसे पहला सवाल आज के क्लास का, 68 के पावर n प्लस 1 यदि यह 23 से विभाजित है तो यहाँ n का मान क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया है कोई भी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी आपका है विषम संख्या, ऑप्शन सी आपका है सम संख्या और ऑप्शन डी आपका सिर्फ अभाज्य संख्या। अब बताइए सवाल मेरा यहाँ पर है कि 68 के पावर n प्लस 1 और 1 के पावर को दूसरा रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं कि n है। अब यह हमारा कह रहा है कि यहाँ n का मान क्या होगा, यह कट रहा है किससे, प्रकृति से कट गया है, तो n का मान जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा कि विषम की सम की सिर्फ अभाज्य, हम बारी बारी से ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखिए अगर मेरा कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा इसका मतलब है कि n का मान हम कोई भी ले सकते हैं, इस तरह से कोई भी 7, 8, 9, ठीक है, मतलब अगर ये होता मेरा आंसर तो कहीं ना कहीं सब मान के लिए सेटिस्फाई करता। अगर हम मान लेते हैं कि n का मान 1, ठीक, तो 68 के पावर 1 प्लस 1 के पावर 1 यानी कि 68 का 1 69, ठीक, ये तो हमारा 23 से कट जाएगा, हां 23 में, ठीक, क्लियर है, हां सर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा n का मान अगर दूर रखते हैं तो ये कटेगा, 68 के पावर 2 प्लस 1 के पावर 2, ठीक है। अब बताइए यह मेरा पैटर्न बैठ रहा है किस पर, x के पावर n प्लस y के पावर n, जहां n हमारा सम संख्या है, यह ना तो हमारा x प्लस y से ना x माइनस y से बैठता है, इसका मतलब कि 68 का 1 69 और 68 का 1 में से 11 67 दोनों में से किसी से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। अब बताइए कि जब n का मान अगर हम सम संख्या रख दिए किसी से नहीं कटा, तो n हमारा सम संख्या भी तो एक प्राकृतिक संख्या है, इससे क्या ये साबित नहीं हो रहा है कि जब सम संख्या नहीं होगा तो प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, हां सर, क्योंकि सम हमारा एक प्राकृतिक संख्या है, क्लियर हुआ। अब रह गया मेरे पास ऑप्शन 2 नंबर और 4 नंबर, तो यहां पर हम थोड़ा सा लेके चलते हैं, मान लिया जाए कि n का मान 3, तीन अगर हम लेके चलेंगे इसको, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, 68 के पावर 3 प्लस 1 के पावर, यह मेरा किस पैटर्न में बैठेगा, x के पावर n प्लस y के पावर, जहाँ n क्या है, विषम है, तो यह किस से कटता है, x प्लस y से कटेगा, हमेशा यह हमारा x प्लस y से कटेगा, यानी कि 68 एक 69 से कटेगा, अब 69 से कटेगा तो 69 का तो सब मल्टीपल जो भी होगा सबसे कटेगा, हां सर, जैसे इसका 23 भी होगा 3 भी होगा यानी कि 23 से भी कट जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं कि 3 लिए तो कट गया, 4 लेंगे तो फिर कटेगा ही नहीं, चार अगर हम लेंगे तो कटेगा, एक सब वाला भी कट भी नहीं करेगा, लेकिन जब 5 रख देंगे तो फिर 5 में फिर पुनः कट जाएगा 69 से, क्योंकि 68 के पावर अगर हम मान लेते हैं कि 5 लेंगे प्लस 1 के पावर 5 है, वो तो विषम संख्या है, संख्या है, ये भी हमारा 68 है, 69 से कटेगा और 69 से कटेगा तो 23 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, उसी प्रकार अगर आप बताइए 6 रखेंगे तो कोई से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 7 रखेंगे तो फिर वही कट जाएगा, 8 रखेंगे तो कोई से नहीं कटेगा, लेकिन 9 रखेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से जितना भी वैल्यू जो विषम संख्या से हमको आ रहा है कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर ये बताइए कि जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा कह रहा है कि सिर्फ अभाज्य संख्या, तो क्या यह सिर्फ अभाज्य संख्या के लिए पालन कर रहा है, नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या तो मान लेते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, और 2 से तो कट ही नहीं रहा है, तो फिर ये ऑप्शन कहाँ आया, फिर हो गया नहीं ऑप्शन, हाँ इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन मेरा काम नहीं कर रहा, लेकिन इन सारे मान के लिए अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा का सारा वैल्यू क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ की विषम संख्या के लिए ही यह हमारा मतलब पालन करेगा, यानी कि n का मान जब होगा तो क्या होगा, क्या होगा, विषम संख्या, यानी कि जो भी हो जाएगा इसमें अभाज्य संख्या भी शामिल है, लेकिन क्या सिर्फ अभाज्य संख्या के लिए है, सिर्फ अभाज्य हो ही नहीं सकता, नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक आ रहा है तो हमारा विषम संख्या ही होगा, तो जब होगा तो क्या होगा, आगे समझ में आ, हां सर, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी होगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68 के पावर n माइनस 1 यदि यह 23 से विभाजित है तो यहाँ पर n का मान क्या होगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, प्लस था,
यहाँ माइनस किया गया है और ऑप्शन सेम रख दिए हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और सिर्फ अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे बहुत आसानी से बना लेंगे। अगर इसको आप थोड़ा सा समझिए कि 68 के पावर एन है, माइनस 1 के पावर एन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला हम लेकर चलते हैं, कह रहा है कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो कोई प्राकृतिक संख्या का मतलब कि एन का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से कोई भी होना चाहिए। अब यहाँ मान लिया कि एन का मान 1 अगर रखते हैं, ठीक, तो एन के मान 1 रखेंगे तो 68 के पावर 1 माइनस 1 के पावर 1 रिजल्ट क्या आ रहा है, तो यह संख्या 67 से कट जाएगा। अब बताइए हमको कह रहा कि 23 कटेगा, तो 67 का कोई भी मल्टीपल उसका 23 है, तो इससे क्या साबित होगा कि कोई भी प्राकृतिक संख्या इसमें पाला नहीं करेगा, यानी कि ई मेरा ऑप्शन नहीं होगा। आइए हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विषम संख्या। अगर मान लेते हैं कि विषम संख्या मान लीजिए जैसे 1 रख दिए तो यहाँ से पता चल गया, अगर 3 भी रख कर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 - 1 - 3 या किससे कटेगा, हम लोग पढ़े हैं ना कि x के पावर n माइनस y के पावर n, n अगर विषम संख्या रहता है तो यह हमेशा x माइनस y से बढ़ता है, इसका मतलब यह 68 माइनस 1 यानी कि 67 से हमेशा कटेगा। जब 67 से कट रहा है तो यहाँ कह रहा है कि 23 से कटना चाहिए, 67 तो कोई भी फैक्टर है जो 23 है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन अब हम आते हैं सम संख्या पर, तो सम संख्या में मान लीजिए कि हम 2 रखते हैं, अब बताइए एक्स प्लस वाई का मतलब 67 दोनों से कटेगा और 69 का ही तो फैक्टर हमारा 23 होता है ना। तो अब यहाँ से तो हमको मिल जा रहा है ना कि 23 से कटेगा, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि n का मान जब होगा तो क्या होगा, सम संख्या होगा, तभी जाकर कि मेरा कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सम क्लियर हो गया ना, सिर्फ अभाज्य तो होगा या नहीं, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, तो चलिए 2 का तो पालन कर रहा है लेकिन 3 के लिए हो रहा है, हम लोग 68 के पावर n माइनस 1 यदि 67 से विभाजित है तो n का मान क्या, क्लियर है क्वेश्चन, कि 68 के पावर n माइनस 1 अगर हमारा 67 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा। ऑप्शन सेम वही है, कोई प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और सिर्फ अभाज्य संख्या। हम लोग देखते हैं इसको बहुत आसानी से सॉल्यूशन, यहाँ 68 के पावर n माइनस 1 के पावर n करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन पर लेके चलते हैं, n का मान क्या कह रहा है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी, 1 से लेके अनंत तक चल जाइए, पता ना, ठीक है। अब देखिए हमारे बारे में 4-5 ऑप्शन जैसे देंगे आपको खुद पता चल जाएगा, हम नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तुम ही लोग सब। अगर n का मान 1 देंगे तो क्या होगा, 67 के पावर 1 माइनस 1 के पावर 1 रिजल्ट क्या आएगा, 67 आएगा, यानी कि 67 से हमारा कट गया। n के मान अगर हम 2 देंगे तो क्या होगा, 67 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 2 या किससे कटेगा, x के पावर n माइनस y के पावर n, n हमारा सम संख्या तो दोनों से योग कर लेंगे तो मिलेगा, यानी 68 से 1 69 और 68 माइनस 1 67 दोनों से कटेगा। चलिए यहाँ भी 67 यहाँ भी 67, अगर हम 3 रखते हैं n के मान 3 तो क्या होगा, 68 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3 यानी किससे कटेगा, 67 माइनस 1 यानी 67 से हाफ में कटेगा। फिर 4 भी रख देंगे तो ही होगा मामला, होगा ना, 5 भी रखेंगे तो 67 आएगा, 6 में भी आएगा, 69 से कम आएगा। तो अब हमको बताओ कि n का मान अगर हम कोई भी रख रहे हैं तो यह हमेशा 67 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, सब में बिल्कुल कट रहा है सर, 67 से कट रहा है कि नहीं, कोई भी माने से उठा के दिखा दो, अगर हम 9 भी रख देंगे हमारा 67 से कटेगा, 11 भी रख देंगे सब से कट जा रहा है,
खाली सम वाला में क्या हो जाएगा, उनहत्तर और सड़सठ दोनों आ जाएगा। उनहत्तर खाली सम में ना आ रहा है, लेकिन सड़सठ तो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। और यहाँ पूछिए रहा है कि यदि सड़सठ से विभाजित है तो एन का मान क्या, इससे स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि अगर यहाँ पर हम एन का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर हम रख देंगे तो हर हाल में हमारा सड़सठ से कटेगा, है ना। तो मेरा आंसर क्या, कोई भी, क्योंकि देखिए खाली विषम संख्या थोड़ी हो रहा है, इसमें सम वाला तो आ रहा है, तो ये हमारा होकर नहीं करेगा। सिर्फ सम संख्या थोड़ी हो रहा है या सिर्फ अभाग हो रही है, तो ये सब कोई नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से मतलब सिर्फ ही नहीं होगा, लेकिन ई होगा जरूर, कोई भी रख दीजिए मान, सम के लिए भी कटेगा, लेकिन सिर्फ समय के लिए थोड़ी कट रहा है, सम वाला कट रहा है, आज भी कट जा रहा है, इसमें तो कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं कट रहा। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ, कोई भी प्राकृतिक संख्या, समझ आ गया सबके। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि 167 की पावर 2 है माइनस 103 की पावर 2 है, यह किससे विभाजित है, ठीक है। ऑप्शन हमारा है 144, 170, 106 और 225। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, पहले ही बताइए 167 का पावर 2 है माइनस 103 का पावर 2 है, ये बताइए हमारा 2 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, हमारा सम संख्या है। अब बताइए जब सम संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि x के पावर n माइनस y के पावर n, अगर n हमारा सम संख्या है दोनों के ऊपर इसका मतलब कि 167 और 103 कितना होगा, 7 3 10, 6 1 7, 170 से भी कटेगा और इसका अंदर का सम भी कट गया था 4, 6 में से 0 गया था 6 और 1 में से गया था 0, यानी कि 270 से भी कटेगा, 64 से भी कटेगा। हमारा ऑप्शन पे दिया है इस तरह से, अब थोड़ा सा देखिए दिमाग लगा के बताइए इसका फैक्टर क्या ही हो सकता है, 9 और 30 हो सकता है, 270 का हाँ जी 27, इसका फैक्टर 16 और 4 हो सकता है, यानी कि इससे क्या पता चला कि 9 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। अब कहीं ना कहीं ये बताइए कि अगर ये दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो 16वां और ये दोनों गुणा कर देंगे तो 100, इससे क्या पता चलेगा कि यह 144 से भी कटेगा, 120 से भी कटेगा। ऑप्शन में मेरा कौन है मिल रहा है 144, इसका मतलब कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, दोनों देता है दोनों होता, इतना सारा संभावना है कटने का, 9 का फैक्टर 3 भी होता 3 से भी कटेगा, इसका फैक्टर 2 भी होता 2 से भी कटेगा, ठीक है। जितना मैक्सिमम मतलब उसका संभावना हो सकता है सबसे कट जाएगा, जो जो उसका फैक्टर होगा, समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि 7 का पावर 6 माइनस 6 का पावर 6 है, जहां n एक पूर्णांक है और n का मान 0 से बड़ा, तो यह किससे विभाज्य है। ऑप्शन ए आपका है 13, ऑप्शन बी आपका 127, ऑप्शन सी आपका 559 और ऑप्शन डी आपका और आपका सर। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि सब होगा कि एक होगा। सॉल्यूशन देखिए आप, 7 के पावर 6 है ना जी, माइनस 6 के पावर बताइए 6 में क्या है, हमारा सम संख्या है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन देखो 13 मिल गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर इसको हम अगर यहाँ से अगर ये कर सकते हैं कि 7 के पावर 6 एन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 कर दे तो आ रहा है, 6 के पावर 3 × 2 कर ले तो आ रहा है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 को पावर 3 को पावर 2 है ना, कर ले तो आ रहा है 3 को पावर 2 है, 7 को पावर 3 कितना होता है, तो आज का ले हां सुरेश के चुनाव से यहां पर पूरा पूरा बना रहा है 343 तो 343 के पावर 2 है ना, माइनस 6 के पावर 3 करेंगे तो कितना 216 होता है, हां सर 66 का 216 यहाँ से हम देख रहे थे तो 13 से कट रहा था, यहाँ से देख रहे थे 559 से भी कट रहा है और 127 से भी कट रहा है। ऑप्शन में आप देखिए
तेरह भी मिलेगी या मिलेगी या मिलेगी, इसका मतलब आंसर कौन होगा? जितने लोग कह रहे थे खाली तेरह आंसर होगा, तेरह नहीं होगा, सत्ताईस पाँच सौ उनसठ सब होगा। कैसे होगा, क्लियर हो गया? बिल्कुल यही अभी किया था। हम यहाँ से नहीं अगर बनाते ना तो देखिए पाँच सौ उनसठ को भी अगर हम अगर काटने की कोशिश करेंगे तेरह से तो तेरह चौके तीन तेरह किया मतलब यहाँ से भी हम तेरह दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं भी अगर लेके चलेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी लेके जाएंगे तब, लेकिन अगर ले लेते हैं तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, समझ आ गया ना? चलिए अब हम अब आप लोग के सामने एक बहुत बढ़िया सवाल है कि दिया गया है कि 2^20+1 किसी भी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है जिस संख्या से यह कटेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमको चार ऑप्शन दिया है, पहला है 2^15+1, फिर है 5×2^30, 2^90+1, 2^60+1। और यह सवाल आपका देखिए CHSE यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम जो 2019 के परीक्षा से सीखे हुआ है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग कैसे इस प्रश्न को बहुत आसानी से बनाएंगे थोड़ा सा देखिए। प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 2^20+1 किसी पूर्ण संख्या से अगर पूर्णतः विभक्त है तो कौन सी संख्या निम्नलिखित में से है जो उसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी कि इससे इसमें का कौन ऐसा संख्या चारों में से है जो इससे कट रहा है, यही हमको निकालना है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दिमाग में लगाइए कि हम ऑप्शन को अगर हम देखते हैं ध्यान से कि 2^15+1 या तो कभी भी इसे कट नहीं पाएगा, जब यहाँ तो पावर 2^20 है, यहाँ भी तो ऐसा दिख नहीं रहा है, इसमें भी हमारा नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए थोड़ा सा इस ऑप्शन पर हम लेकर चलते हैं 2^60+1 पर। ठीक है, अगर इसका एक फैक्टर ध्यान से समझिए सबको कि अगर इसका एक फैक्टर अगर हमारा ई आ जाता है तो कहीं ना कहीं इससे कटेगा, यह संख्या कहीं ना कहीं इससे कट जाएगा अगर फैक्टर आ गया था, उसके लिए थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि 2^60 को इसे लिख सकते हैं 2^20 अच्छा चलिए 1^3 अगर 3 लिखते तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए इसको पूरा x मान लें, इसको पूरा y, तो हम ये जानते हैं कि x^n + y^n जहाँ n अगर हमारा कटता है जी, और x की जगह पर मान लेना 2^20 और y की जगह पर 1, इसका मतलब है कि यह हमारा हर हल में किससे कटेगा 2^20+1 से। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या हो गया, यानी कहीं ना कहीं मेरा सही है, इसका एक गुणनखंड ही आ रहा तब नहीं कट रहा इससे, तो 2^20+1 से हर हाल में कट जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन को उत्तर देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है कि 20^2020+16^2020-3^2020-1 किससे विभाज्य है, ऑप्शन आपका 317, 91, 253 और 323। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम लेके आपको चल रहे हैं। अब बताइए कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि 20^2020+16^2020-3^2020-1 अगर हम 2020 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बार हम क्या करते हैं ना कि इसका जोड़ा इसके साथ लेते हैं, हम इसको इसको साथ लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि 20^2020-3^2020 यहाँ देखिए प्लस 16^2020-1^ ठीक है हाँ? अब देखिए तो जरा ये x^n - y^n यानी कि यह x + y x - y दोनों से कटेगा, चाहे पावर सम संख्या है, यानी कि यह मेरा 20 और 3 23 20 में से 3 गया था 17 यानी 23 और 17 दोनों से कटेगा। अब ई किससे कटेगा जी, यहू हमारा सेम चीज देखिए 16+1 = 17, 16 - 1 = 15 से कटेगा। अब यहाँ ये दोनों युगल के रूप में है, अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह हमारा इससे कट रहा है, यह भी हमारा इससे कट रहा है, यानी कि दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या रहा है 17। इसका मतलब है कि अगर पूरा की बात करें तो 17 से ही तो फिर इसका कॉमन गुणनखंड आया, तो अंदर में क्या बचेगा इधर से 23 से 15। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 17 × 23 = 15 38। ठीक है,
यानी कि अब पूरा का पूरा मामला जो आ रहा है पूरा पर या 17 से भी कटेगा और 38 से भी कटेगा। अब कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा अगर इसको और ले लेते हैं तो 17 गुना 19 गुना 2। अब 17 में अगर हम 19 से गुना करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, गुना करके देखो। 17 का मान औसत है 63 के 3 हाथ में 6, 9 का 9 6, 17 3 7 5 12 323 आया। यानी कि यह हमारा देखिए 323 गुना 2, यानी कि अब कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं किससे कटेगा, ₹316। माइनस वाई की पावर एन पावर हमारा सम संख्या आते हैं हमारा योगफल अंक से कटेगा 20 में से किया था 19, यहां भी हमारा दोनों का योगफल अंक से कटेगा 16 3 19, 16 में से 3 गया था कितना 13, और दोनों में कॉमन क्या है 19, क्योंकि पूरा को हमको काटना है ना तो 19 कॉमन है तो यहां क्या बचेगा 21 प्लस 13, तो क्या हो जाएगा 19 गुना 21 13 24 10 34 हो गया। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 गुना 17 गुना 2, बताइए फिर से हमारा 19 गुना 17 क्या आ जाएगा 323। तो हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ से 323 आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।